कि 29 जून नू चांसिस ने कि जिहड़ा प्री मानसून शावर्स ने पंजाब दे विच हो सकदी हैं, क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उत्थे का सिस्टम एक डिवेलप हो चुके हैं, जिहदे करके ही आह जिहड़ा नाइट टैंपरेचर ज़्यादा राइज़ होया है। 30 जून तो लैके 2 जुलाई दे विच जिहड़ी मानसून की भी आमद पंजाब दे विच होण दी पूरी संभावना हैगी है, और जे मानसून आ जाती है अपने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सैकेंड जुलाई तक तो वह साढ़े लिए काफ़ी लाहेवंद रहेगी। क्यास लगाए जा रहे हैं कि जी इस बारी जी मानसून है काफ़ी गुड मानसून सीजन रहेगा और अच्छी वैल डिस्ट्रीब्यूटड रेनफॉल होएगी, क्योंकि हुण तक भी जे आप गल करते हैं तो पंजाब दे विच मतलब कोई इन्ना ज़्यादा डेफिसिट नहीं है जोड़ा जून महीने का हैगा, क्योंकि पिछे जो सीगा से 10% ही सिर्फ जोड़ा डेफिसिट चल रहा सीगा, वो भी आने वाले दिनों कवर अप हो जाएगा। हाँ, पिछले 2 दिनों तो असं देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब जोड़ा अनकंफर्टेबल वैदर हो चुके हैं, जोड़ा कि गर्मी जी मतलब टॉलरेट नहीं हो रही लोगों के सारे पास, ह्यू एंड क्राई हैगा कि इन्नी ज़्यादा गर्मी जी बर्दाश्त तो बहर हो रही है, पर ये कुछ रोल तो टैंपरेचर का है, कुछ ह्यूमिडिटी लैवल जोड़ा हाई होया है। जो आप दिन के तापमान की गल करते हैं तो 38-39 डिग्री टैंपरेचर चल रहा, जोड़ा कि नॉर्मली भी इन्ना की टैंपरेचर होंगे, पर जोड़ा रात का टैंपरेचर है वह बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, क्योंकि 6 डिग्रीज अबव नॉर्मल चल रहा है, जिदे करके कि आपां नूं इन्ना ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है। और ह्यूमिडिटी लैवल जिहड़ा दिन दा वह भी 50% तक पहुँच चुका होया है, जिहड़ा कि नॉर्मल नालों ज़्यादा है। सो ये दोनों कंडीशनस जिहड़ियां ने कि नाइट टैंपरेचर ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी लैवल ज़्यादा, उहदे करके आपां नूं ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, और लेकिन छेती ही इस तों राहत मिलन की संभावना हैगी है, क्योंकि 29 जून नूं चांसिस ने कि जिहड़ा प्री मानसून शावर्स ने पंजाब दे विच हो सकदी हैं, क्योंकि जिहड़ा पंजाब दा नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उत्थे का सिस्टम एक डिवेलप हो चुके हैं, जिदे करके ही आह जिहड़ा नाइट टैंपरेचर ज़्यादा राइज़ होया है, और वह सिस्टम जिहड़ा मूव कर रहा है पंजाब वल नूं, और उहदे मद्देनज़र ही जिहड़ा मतलब 29 जून है जिस तरह कि आने वाले 24 घंटियां दे विच आपां आस करते हैं कि जिहड़े प्री मानसून शावर्स ने पंजाब दे विच आ जाएंगे, और उस तो बाद छेती ही 30 जून तो लैके 2 जुलाई दे विच जिहड़ी मानसून की भी आमद पंजाब दे विच होण दी पूरी संभावना हैगी है, और जे मानसून आ जाती है अपने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सैकेंड जुलाई तक तो वह साढ़े लिए काफ़ी लाहेवंद रहेगी, उहदा बहुत ज़्यादा किसान वीरां नूं फायदा होएगा, क्योंकि जिहड़ी झोने की लवाई चल रही है, फिर पहले पंद्रवाड़े दे विच बासमती दियां भी कुछ किस्मां दी जिहड़ी लवाई है वह शुरू हो जानी है, सो इन्हां दिनां दे विच अगर बारिश हो जाती है तो किसान वीरां नूं उहदा बहुत ज़्यादा फायदा होएगा, और सानूं उहदा लाहा भी लैना चाहिए कि अगर बारिश हो रही है तो आपां जिहड़ी झोने की लवाई है उहनूं पूरी कर लईए। बरसात कितना दी लग रही है, ज़्यादा होई जी घट होई जी? हाँ, इस बार जो एक्सपेक्टेशंस ने जां जिहड़ी लोंग रेंज फोरकास्ट आई है IMD वालों जारी की गई है, उहदे विच तां इही क्यास लगाए जा रहे हैं कि जिहड़ी इस बारी जिहड़ी मानसून है काफ़ी गुड मानसून सीजन रहेगा और अच्छी वैल डिस्ट्रीब्यूटड रेनफॉल होएगी, क्योंकि हुण तक भी जे आपां गल करते हैं तो पंजाब दे विच मतलब कोई इन्ना ज़्यादा डेफिसिट नहीं है जोड़ा जून महीने का हैगा, क्योंकि पिछे जो सीगा से 10% ही सिर्फ जोड़ा डेफिसिट चल रहा सीगा, वह भी आने वाले दिनों कवर अप हो जाएगा। और जे आप पिछले साल की गल करते हैं तो पिछले साल भी बहुत अच्छी मानसून जी है पंजाब दे विच रही है, अबव नॉर्मल रेनफॉल जी रिकॉर्ड की गई है, और बड़ी वैल डिस्ट्रीब्यूटड रेनफॉल सी सारे ही पंजाब नूं कवर किया गया सी, और इस बार भी असं आस करते हैं कि जी मानसून है वह बहुत वधिया रहेगी, तो मतलब सारे ही जिलों के जी बारिश का जिहड़ा आनंद माणिया जा सकता। हाँ बिल्कुल, उहदा फायदा होएगा जी, क्योंकि अगर मानसून जिहड़ी है हुण टाइमली आ जाती है तो जिवें हुण झोने की लवाई चल रही है उहदे नाल साडा जिहड़ा धरती हेठला पानी उहदी बचत हो जाएगी, क्योंकि उस पानी नाल ही आपां झोने की जिहड़ी लवाई कर सकते हैं, तो बारिश के पानी नाल ही उहदी पूर्ति हो जाएगी, सो असीं धरती हेठला पानी जिहड़ा है उहनूं बचा सकते हैं।